हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हमारे घर में सबको पसंद है और आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर करने वाली, ये रेसिपी है गर्मा गर्म आलू के जो टोस्ट होते हैं ना, वो क्रिस्पी क्रिस्पी, वो बहुत अच्छे लगते हैं और ब्रेकफास्ट में सबको बहुत पसंद आते हैं। आलू बॉयल हो जाए तो मिनटों मिनट ही बन जाते हैं। तो अब मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस मैं जो आलू के टोस्ट बना रही हूँ, इसके लिए मैंने दो बड़े साइज के आलू लिए, उसको मैंने काट के मैंने बॉईल किया था और अजवाइन और नमक डाल दिया था। और काटने का रीजन ये होता है जल्दी ये कुक हो जाते हैं, नहीं तो कच्चे रहते हैं। धनिया लिया मैंने, एक छोटा प्याज लिया और दो मैंने बारीक हरी मिर्चें काट ली है। साथ में मैंने ब्रेड ले लिया क्योंकि हम ब्रेड टोस्ट बनाने वाले हैं। तो अब हम अपने आलूओं को मैश कर लेंगे। तो जब आलू को हम बॉईल किया था ना, उस टाइम पे नमक और अजवाइन क्यों डाली गई थी, क्योंकि हम तो इसलिए डालते हैं कि मेरे डालने के पीछे जो रीजन वो ये है कि अजवाइन डालने से उसकी जो वाई होती है वो खत्म हो जाती है और जो आलूओं की मिठास होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अजवाइन और नमक डाला जाता है। तो शुगर पेशेंट भी ये खा सकते हैं, क्योंकि वैसे शुगर पेशेंट को भी डॉक्टर मना करते हैं कि आप पोटैटो थोड़ा कम कंज्यूम करिए, क्योंकि आलूओं में भी शुगर जो क्वांटिटी होती है वो होती है, इसलिए उसको अवॉइड करना बेहतर रहता है। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा खाने का तो आप इस तरीके से अजवाइन और नमक डाल के खा सकते हैं। तो अब मैंने पोटैटो को कर लिया मैश और इसी में धनिया और प्याज मैंने इसमें ऐड कर लिया, हरी मिर्ची भी ऐड कर ली। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी काली मिर्च, बस यही जाएगा। जब आप बैटर बना लेते हो तो एक बार नमक चेक कर लेना। मुझे थोड़ा नमक यहाँ पे कम लगा, मैंने नमक इसमें और ऐड कर लिया। तो आप इसमें और कोई मसाला आप ऐड करना चाहते हो जो आपको अच्छा लगता है आप ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ नमक, लाल मिर्ची और काली मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी मैंने ऐड करी है। मैं तो हमारा बैटर ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ बीच में कैचअप लगा देती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी कैचअप दोनों तरफ लगा दो, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब जो हमारा हमने ये फिलिंग रेडी करी है इसको बीच में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी फिलिंग ऐड हो चुकी है। बहुत अच्छे से आपने ऐड करनी है। तो ये हमारा टोस्ट रेडी हो गया। अब इसको हमने क्या, तो अब हमने इसको टोस्टर में मैं बना रही हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे लगाया घी, मैं देसी घी यूज कर रही हूँ। आपको कोई भी कुकिंग ऑयल यूज करना है, कोई वेजिटेबल ऑयल यूज करना है, आप कर सकते हो। तो मैंने ये लगा के और इसको मैंने बंद कर दिया। तो आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे अभी रेड लाइट ऑन है, जैसे ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी इसका मतलब होगा हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया। तो जब तक मेरा ग्रिल हो रहा था, मैंने जितने बाकी ब्रेड बनाने थे मैंने उस पर अच्छे से फिलिंग लगा ली है। तो और हमारा यहाँ पे ब्रेड बन चुका है। तो ये हमारा ग्रिल सैंडविच देखो रेडी है। तो कितना सुंदर इसका कलर आया है। तो हमारे ग्रिल सैंडविच रेडी हो चुके हैं और अब मैं इसको कट करके आपको दिखाती हूँ। तो इसमें आप कोई भी वेजिटेबल कुछ भी आप ऐड कर सकते हो जो भी आपको अच्छे लग रही है। तो देखो गर्मा गर्म हमारे ग्रिल सैंडविच और कितना सुंदर इसमें ग्रिलर का जो डिजाइन बना है वो भी कितना प्यारा लग रहा है और कितना अच्छे लग रहे हैं। क्रिस्पी हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो हमारी सैंडविचेस हो गए हैं रेडी और अब इसको हम सर्व करेंगे घर की बनी धनिया पुदीने की चटनी के साथ और साथ में केचप, साथ में बनाओ चाय। और ये सबका फेवरेट है, सबको बहुत पसंद आता है। तो हमारी प्लेट कितनी सुंदर लग रही है। आई होप आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
झटपट रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, हमारी बेटी को भूख लगी है, वो टेस्ट कर रही है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। बहुत ही जल्दी बन गई थी, बहुत ही इजीली बन गई थी। तो और आप हमें प्लीज हमारे जो चैनल को है वो सपोर्ट कीजिए। हमारे यहाँ चैनल पे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरह की रेसिपीज आ रही है, मम्मी आए हुए हैं और डेली हम रेसिपीज शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।